एवरीबॉडी फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में हैं मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंशुल महाजन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। तो आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि पोस्टपार्टम साइकोसिस के बारे में। देखिए, पोस्टपार्टम साइकोसिस एक प्रकार का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जो कि फीमेल्स में डिलीवरी के बाद पाया जाता है। इसमें मेन सिम्टम्स जो मैं बताना चाहूँगा, फीमेल्स में शक की बीमारी होती है या उसमें विचार आते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुँचाएँ या बच्चे को नुकसान पहुँचाएँ या फिर मरने के विचार आते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके? इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस है या किसी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है। तो जैसे कि देखा गया है कि 50-60% फीमेल्स में फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी सिम्टम्स 50% में देखे गए हैं। और साइकोसिस के कुछ, साइकोसिस एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर होता है जैसे बाकी बीमारी में होता है, और साइकोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं इन पेशेंट में? देखिए, इसमें पेशेंट में शक की बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको हम डिल्यूशन डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें लगता है कि बच्चा है ही नहीं या बच्चे में कोई डिफेक्ट है, उसको हेलुसिनेशन आते हैं, जैसे कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कि बच्चे को नुकसान करो या माँ को नुकसान करो, उसका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट होता है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है, इरिटेबल सी रहती है, उसका नींद ख़राब हो जाती है, उसके माँ बाप बताते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसको, और इसके अलावा उसकी स्पीच इरेलीवेंट सी हो जाती है। इसके अलावा और अक्सर क्या सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के? पेशेंट वायलेंट भी हो सकता है? इसके अलावा हाँ, पेशेंट वायलेंट भी हो सकता है, कुछ पेशेंट में सैडनेस की संभावना भी देखी गई है, बिल्कुल सोशल विड्रॉन बिहेवियर भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी बीमारी है जिसको भी इग्नोर नहीं कर सकते? इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको एक एमरजेंसी समझ के इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो किस टाइप की ट्रीटमेंट अक्सर इसके बारे में होती है? इसमें हम कुछ मूड स्टेबलाइजिंग को, जो कि मूड को ठीक करते हैं, उसको ड्रग्स देते हैं या फिर कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती हैं जिनसे वायलेंस या जो मैंने साइकोटिक सिम्टम्स बताए हैं उनका कंट्रोल होता है। इसके अलावा पूरा फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तो वर्ड्स मदर और चाइल्ड, और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए, उसका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, प्रॉपर डाइट करवाएं, वॉक करवाइए, प्रॉपर स्लीप करवाएं और प्रॉपर फीडिंग दीजिए माँ और बच्चे को। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे दर्शकों को पोस्टमार्टम साइकोसिस के बारे में बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, उनको इस बीमारी के अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।